दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो अभी 1v1 मैच होने वाला है खुशी और B2RB विनीत का। ये दोनों ने एक दूसरे को ओपन चैलेंज दिया है और बोला है कि जो जीतेगा वही सिकंदर। तो जानने के लिए देखते रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। अभी गेम स्टार्ट हो चुका है। तो इन दोनों की लड़ाई की शुरुआत की कहानी बहुत पुरानी है। दोनों रास्ते में चल रहे थे, दोनों को चलते चलते एक मोबाइल फ़ोन मिल गया और दोनों ने क्या डिसाइड किया कि आज चल कस्टम खेलते हैं। और दोनों ने जैसे ही कस्टम स्टार्ट किया तो ओपन चैलेंज दे दिए एक दूसरे को। बोले कि तू प्रो है तो हम भी कहाँ कम है भाई। तो जो भी हो, इस लॉकडाउन के मौके पे सभी को घर पे रहना है, बाहर नहीं निकलना है, एक दूसरे के साथ 2 गज की दूरी रखना है। तो जो भी हो, उसको सब कुछ को ध्यान रखते हुए अभी मैच स्टार्ट हो चुका है। एक तरफ है द कॉन्करर खुशी, जो अभी तक कोई नहीं हरा पाया खुशी को, और दूसरे तरफ है विनीत द लेजेंडरी बॉय। तो बात यह है, ये जो विनीत है इसको खेलना आता है कि नहीं आता है वो तो आप लोग इसका गेम प्ले देख के पता कर ही चुके होंगे। दोनों के पास कोई स्किन नहीं है गन ब्लू वॉल की, और दोनों को पता नहीं है हेडशॉट कुछ होता है बोल के, दोनों खाली बॉडी शॉट मार रहे हैं और एक तो आसमान पे भी मार रहे हैं। अपने ये ग्लू वॉल को तोड़ के क्या मिलेगा उसे, आप ही बताइए। अभी विनीत हेल्थ अपना बढ़ाते हुए और खुशी का हेल्थ बहुत ही कम हो चुका है और मेडिकिट भी खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों के पास कैरेक्टरिस्टिक्स और ये खुशी हेडशॉट देते हुए विनीत को। तो इससे क्या पता चलता है आप लोगों को, मैं तो बस यही बोलूँगा खुशी को हरा पाना मुमकिन है नामुमकिन है, क्योंकि ये लगातार 3 से 4 बार मैच जीत चुके हैं और विनीत ग्लोन जोन स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी से दौड़ने में पड़े हैं, लगता है बदला चुका कर ही रहेंगे। तो विनीत दौड़ना स्टार्ट कर ली है, बढ़िया तरीका से दौड़ा। और ये जो लाइव स्ट्रीम है इसको आप अभी भी देख सकते हैं या बाद में भी देख सकते हैं। विनीत हो गए हैं आगे और पीछे, बहुत ही अच्छा डैमेज देते हुए विनीत BRB सॉरी BTRB। और खुशी अपने ग्लू वॉल को घेर के पीछे आ चुके हैं। ग्लू वॉल से अपने आप को घेर लिए, लेकिन छोटा सा स्पेस रख दिया, अगर यहाँ से गन चल गया तो विनीत नहीं बच पाएगा। दोनों के पास शॉट गन है क्योंकि शॉट गन जो होता है वो क्लोज रेंज के लिए बहुत ही भयंकर गन मानी जाती है। और यहाँ पे विनीत ने हेडशॉट मार दिया और उसको खुद भी विश्वास नहीं कि मैं भी कभी कभार हेडशॉट मार सकता हूँ। फिलहाल के लिए स्कोर 1-1 है, मतलब बराबर है। अभी विनीत कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मतलब कि शॉटगन के साथ UMP का यूज़ किया और खुशी को पता नहीं कुछ लग रहा होगा, ये विनीत तो बहुत अच्छा खेल रहा है,
कैसे? खैर जो भी हो, दोनों एक दूसरे फिर मैदान पे आ चुके हैं, अपने ग्लू वॉल को लगाते हुए अपना खुशी एफएफ बढ़िया तरह से मूवमेंट दिखाते हुए। खुशी आगे बढ़ चुके हैं और बिना पीछे जा चुके हैं। कॉम्बैट में खुशी को हरा पाना मुमकिन है, नामुमकिन है। फिलहाल के लिए स्कोर हो चुका है 2-1, मतलब कि एक तरफ का स्कोर है 2, मतलब खुशी का स्कोर है 2 और विनीत का स्कोर है 1। तो अभी हम लोग क्या कहेंगे, मैच कौन जीत पाएगा ये कह पाना फिलहाल के लिए मुश्किल है। तब तक के लिए मैं ये जो वीडियो है ये लाइव हो रहा है कि नहीं उसको चेक कर लेता हूँ, बाद में क्या पता लाइव हो न रहा हो ना, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। गो टू द चैनल, योर लेजेंडरी लाइफ, चैनल में वीडियो लाइव चल रहा है। खैर देखने वाले कोई नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में भी देख सकते हो। विनीत के पास है MP40, बढ़िया कलर का स्कोर है। खुशी की शॉटगन की तो दाद देनी पड़ेगी कसम से। विनीत को पता होना चाहिए ना, है कि नहीं बोलिए, उसको पता होना चाहिए। हेलो, लाइव नहीं कर रहे हैं? कर रहा हूँ था लाइव। ठीक है तब, ठीक है। विनीत भाई तुमको पता होना चाहिए, ये जो राजू है, मेरा मतलब खुशी है, शॉर्ट गन बहुत अच्छा चलाता है, इसलिए अगर तुमको जीतना है, अगर बटा तुमको जीतना है तो दूर से ही खेलना पड़ेगा, वरना नहीं हो पाएगा। हवा में गोली चलाते हुए विनीत, अभी तक थोड़ा सा भी डैमेज नहीं दे चुका। अब खुशी आ चुका है शॉर्ट गन के साथ, और जब ये सामने शॉर्ट गन चलाते हैं तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। देखिए कितना अच्छा डैमेज है, 0%, काफ़ी कम हेल्थ के साथ विनीत B2RB। देखो देखो भाई देखो, ग्लूवल से ढकना नहीं आता है तो क्यों ढकते हो विनीत? हाँ, अपना कप को क्यों इतना प्रॉब्लम में दे रहे हो? तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ बाद में बताऊंगा। विनीत को स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा वरना नहीं हो पाएगा। काफ़ी कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं हमारे खुशी, क्योंकि लगातार 4 बार जीत चुके हैं खुशी। साजिद को तो इतना अच्छा से धोया, क्या बताए, साजिद दी प्रो प्लेयर को डिमोटिवेट कर दिया हमारे खुशी ने। B2RB विनीत को क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विनीत आ चुका है, सॉरी फ्री
खुशी आ चुका है और विनीत भागते हुए अपने आप को देखिए मारा कुछ नहीं हुआ। जॉन भी सामने आ चुका है, अभी जो करना है विनीत को थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा और मर जाएगा। प्लस हेल्थ और ये हेडशॉट खुशी, पता नहीं खुशी को यूज कर रहा है जैसा लग रहा है। 5-1 की स्कोर हो चुकी है। विनीत भाई राजू, विनीत इस बार होम का यूज करते हुए कुछ अलग तरह का एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सोच रहे हैं कि मैं अलग तरह का एक्सपेरिमेंट करूँगा, क्या पता कुछ हो जाए। खुशी के पास है वुड पिकर और विनीत के पास है ईडूएब्लॉन। तो क्या विनीत पट्टा से हेडशॉट मार पाएगा या उल्टा हेडशॉट खा जाएगा? देखते रहिए, बने रहिए। और 150 का हेडशॉट तो नहीं, 150 का डैमेज देते हुए B2RB विनीत, यह पूरा स्टाइल में लग रहा है B2RB विनीत। और ये स्काइलर का यूज करके उसने अपना क्या बोलते हैं तुम्हारा ड्यूअल को तोड़ दिया। अब क्लोज रेंज में तो क्या ही बोले, क्लोज रेंज में तो खुशी, बाप रे बाप, शॉटगन इतना, और बाप रे बाप। विनीत भी कभी कभार अंधेरे में तीर फेंक ही देता है, हेडशॉट मार दिया है विनीत ने भी खुशी को। तो फिलहाल के लिए मैच में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल गया है। थोड़ा कम कर दिया जाए फिलहाल के लिए। खुशी साइड की तरफ से जाते हुए हाथ में पकड़े है EWM ऑन और विनीत पकड़े है हाथ में UFP। विनीत को अगर जीतना है तो छुप छुप के खेलना पड़ेगा वरना विनीत हार जाएगा। ले 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 ले। पता नहीं क्या हो गया और ये विनीत आ चुका है ऊपर और शादी जा खुशी आ चुका है नीचे। अब फिर विनीत आ चुका है नीचे ये। छोटी सी जगह छेड़ते हुए, अब छोटा सा जगह तुम छोड़ दोगे तो फिर उसी जगह से तुमको पेल देगा खुशी FF। बोला था ना लगा लो यहाँ पे ग्लू वॉल जल्दी से बटा। हाँ अरे ये अब क्या हो, अब दोनों आसपास हमें आ चुके हैं, अब दोनों कंफ्यूज। और नीचे गिर गया, नीचे गिर गया जॉन। जॉन कहाँ आ रहा है और ऊपर से मार दिया क्या खुशी FF अपने शानदार तरीके से मार चुके हैं। अगर इस बार खुशी जीत गए तो खुशी के साथ मैं खेलूंगा क्योंकि लग आज तक कोई खुशी का बदला नहीं चुका है तो मैं चुकाऊंगा उसका बदला। तो वीडियो पे बने रहिए, अगर इस बार भी नहीं सॉरी खुशी जीत जाएगी तो उसका बदला मैं चुकाऊंगा।
खेला खेला खेलना, जिसको भी खेलना है खेल सकते हो, कमेंट पे कर दो, खिला देंगे। अपने पास कस्टम की कमी नहीं है, भर भर के है कस्टम, भर भर के। लाइव वीडियो बनाने के बारे में सोचा हो तो कस्टम तो रखना चाहिए। जस्ट हमको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, आईडी और पासवर्ड दे दूंगा। नेक्स्ट उसका खुशी विनीत को डैमेज दे चुकी है, अगर जोन भी आ चुका है सामने। और ये विनीत अपने आप का मैच हार चुके हैं। लाइन पे बने रहिए, मेरा मतलब लाइव पे बने रहिए, और एक तो कस्टम बनाएंगे। अगर आप लोगों को कस्टम खेलना है तो जल्दी से वीडियो में कमेंट करें। यू एंड मी 1v1, अरे हम थोड़ी खेलते हैं, थोड़ी बढ़िया प्लेयर है, अगर अच्छा खेलना तो खुद ही खेल लेता ना। एनीवेज जो भी हो, मेरा ये रिक्वेस्ट है जल्दी से इस रिक्वेस्ट पे भेजो, अगर खेलना हो तो फिर से एक तो कस्टम बनाएंगे। बदले में यही करना है, जस्ट चैनल को थोड़ा शेयर कर दे, ठीक है। अभी फ्री फायर का ज़माना है, और एक तो कस्टम बनाएंगे दूसरा अकाउंट से, तब तक ये लोग से बात। बने रही जिसको भी करना हो, मेरा ये आईडी जो है क्या आया, ये इस आईडी जो ये देखा 2662172566 का मैसेज कर देना जिसको भी खेलना हो। चलेगा और तो खतरनाक प्रो प्लेयर के साथ। हाँ पहचान तो नहीं, हमारा ही गांव का है। ठीक है ठीक है, रुक जा देखते हैं। ये क्या खुल गया, ये